بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما لسن نمبر 61 پیج 121 یہ بالکل معاملے سے بات ہے بھائی فعل کے دو قسمیں ایسا بھی کرتے فعل لازم اور دوسرا پہلے متعدی بولتے ہیں پہلے لازم پہلے متعدی اب بہت آسان ہو کچھ بھی نہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہر چیز آسان صرف اٹینشن ریکوائرڈ اٹینشن ہونا بھیجا سرک گیا تو معاملہ بھی گیا سمجھے وہ رہنا سینٹر میں پہلے لازم کیا ہے بھائی اب ایک یہ ہے دیکھیے آپ ذہبا احمدو ذہبا کیا ہے بولو پہلے کزا پھیلے پہلے ماضی واحد مذکر غائب فٹ بول کے بولنا ایسا جب بھی جو ہے آپ آگے بڑھے تو سامنے آتا سو ذہبا کے معنی کیا ہے وہ گیا وہ کو پرٹیکولر کے بجائے نام لکھ دیے ذہبا احمدو احمد گیا کہاں گیا کہاں ہے کچھ خبر نہیں کیا ہے فاعل ہے اور فعل ہے صرف دو چیزیں فعل لازم وہ فعل ہے وچ ڈز ناٹ ریکوائر آبجیکٹ ضرورت نہیں رہتی اس کو مطلب دے دیتا وہ جیسا وہ گیا بولے آپ گیا بازار گیا گھر گیا مسجد گیا کدھر گیا وہ الگ چیز ہے یعنی جو ہے اس میں مفعول نہیں رہتا مفعول نہیں رہتا اور جس سینٹنس میں فعل فاعل مفعول مفعول بھی رہتا اس کو متعدی بولتے اس کو کیا بولتے متعدی بولتے اس کی مثال مشہور جملہ اپنا ہاں مشہور جملہ یاد رکھنا ہمیشہ اس کا قتلہ دا یہ بار بار ریپیٹڈلی کیوں لکھ رہے ہیں آپ کو یاد ہونے کے واسطے وہی چیز قرآن کا ٹکڑا ہے یہ وہی لکھتے آ رہے ہیں دا او دو جا لو تا قتلا قتل کیا اب یہاں دو نام ہیں داؤد بھی ہے جالود بھی ہے کون فاعل ہے کون مفعول ہے کون مارا کون مرا اس کی پہچان کیا ہے کام کرنے والے کی پہچان کیا ہے بولو آپ جو بھی کام کرتا ہے قتل کیا کس کو قتل کون قتل کیا تو پہچانت کیا اس کو کیسا وہ اس کو مفعول کیوں نہیں سمجھے آپ بولو پیش بس داؤد کے اوپر اگر پیش ہے جس کے اوپر پیش ہے انہیں کیا رہیں گا ہمیشہ فاعل رہیں گا جس کے اوپر زبر رہے انہیں کر رہے ہیں کام کا اثر اس پہ رہیں گا اگر پیش رہا تو سمجھنا کرنے والا ہے وہ ہے نا اور جس پہ زبر ہے جس پہ کام کیا گیا اب قتل ہو گیا جالوت کا قتل ہو گیا کون کیا داؤد نے کیا تو داؤد پہ کیا رہیں گا ہمیشہ پیش رہیں گا ہے نا اور جس پہ
अब इसके बजाय आप ये कर दिए। कुछ नहीं करे, खाली आप जबर जेर इधर का उधर कर दिए। खतला दाऊदा जालूतू, तो क्या बने, जालूत ने कतल किया दाऊद को, समझे ना। फाइल पे हमेशा क्या रहना, पेश रहेगा, और मफूल पे जबर। और कोई सेंटेंस ऐसा है, कोई फेल ऐसा है जो बता रहा है कि करने वाला कौन है और काम का असर जिस पे पड़ रहा, तो वैसे फेल को क्या बोलेंगे, ये फेल को क्या बोलेंगे, मुतादी बोलेंगे, मुतादी फेल है। क्यों बोल, तो ये फाइल भी रखता है, मफूल भी रखता, दोनों दोनों रहते। और जो मफूल नहीं बताता उसको क्या बोलते, अब यहाँ क्या है, जहाब अहमद, अहमद गया, मफूल नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, लाजिम बोलेंगे, जिसमें मफूल का जिक्र नहीं है। इतने आसान तरीके से समझ जाओ, वो फेल जो मफूल नहीं बताता तो वो कौन है, फेल है लाजिम, जो मफूल बताता उन्हें क्या है, मुतादी फेल है। इतने अच्छे वो सब समझे, मुतादी में पढ़ना है तो ज़हबा अहमद सूख पढ़ सकते हैं, क्या ज़हबा अहमद को मुतादी बनाना है, हाँ तो कैसा करें, मुतादी नहीं, बस वो नहीं बनते, वो नहीं बनते, बस लाजिम जो रहते हैं वो वैसे रह जाते हैं। अब ऐसा आप ये लिखना चाह रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं, ज़हबा अहमदु कहाँ गया उन्हें, हाँ इलल बाजार, बाजार को गया, तो मुतादी बजाएगा वो, जब जो है मुतादी बोल सकते, वो बहुत कम होता है सब। चलिए, कुछ भी नहीं है, हम एग्जाम्पल देख लीजिए, पेज दबा देखना, 121 नंबर वन एग्जाम्पल है, ज़हबा अहमदु अहमद गया। और एक एग्जाम्पल है, यस्मऊन नासु, लोगों ने सुना, नास बोलो तो लोग, यस्मऊ बोल तो सुना, अच्छा अब यहाँ देखो यस्मऊ कौन सा फेल है, यहाँ एक और खास बात सुन लो भाई, आ गया आ गई, यहाँ इस बातें बोल रहा हूँ मैं, यस्मऊ कौन सा सेगा है, बोलो आप, मुजारे कोसा है, वाहे जमा तस्निया कोसा है, यस्मऊ वाहिद मुजक्कर गायब, वाहिद मुजक्कर गायब का जगह है, बाद में क्या आ रहा है, नास, नास क्या है, लोग है, जमा का सेगा है, तो ये वाहिद का, वाहिद का क्यों है, गलत नहीं है ये, इसका फाइल कौन है, नास, नास बोल तो लोग, मतलब जमा का सेगा है, तो जमा का फेल क्यों नहीं आया, हाँ यस्मऊ नासु क्यों नहीं बोले, वाहिद क्यों रखे, ये कुछ भी नहीं है, एक ही बात है, सीधी बात, जबी भी फेल पहले लाया जाता है, चाहे जमा हो वाहिद हो, वाहिद ही आएगा। सुने, अगर जमा के वास्ते भी क्यों ना हो, फेल ला रहे, अगर पहले ला रहे तो वाहिद फेल ही रहेगा, फेल जो है वाहिद ही रहेगा, वो याद रखना, छोटी सी चीज़ है ना भाई, याद रखना पड़ता, नहीं तो परेशान आप, अरे ना जमा है ये वाहिद कैसे, क्या गलत है भाई, ये किताबी गलत है, कुरान क्या है, कभी इधर है कभी उधर है, क्या ऐसा तसव्वुर चल जाता, कुरान का एक एक लफ्ज़ एक एक हर्फ इतना सही बयान नहीं कर सकता, जबर जेर हर चीज़ इंतहाई सही, उसको कभी अपने जहन में आपको कुरान की तायात पढ़ के समझ के कोशिश करे तो आपको गलत दिख रहा, तो कभी ये नहीं समझना कि कुरान गलत है, समझना अपन खुद गलत है समझने, वो समझ नहीं, वो उलमा से पूछना, जानने वाले से पूछ, बताया था, समझ गया ना, एक नई बात क्या हुई, ऐसे चीज़ें ध्यान में रख के नोट कर लेना, ऐसे चीज़ें नोट कर लेना, अगर फेल पहले आए, लिख लो आप, लिख लेना, या आगे आएंगे हम, अगर आप आ गया बोल के तो उसको
मालूम होगा तो नोट कर लेना। क्या लिखेंगे आप? इफ फेल कम्स इन द बिगनिंग ऑफ ए सेंटेंस, इट विल ऑलवेज बी सिंगुलर नंबर। इट विल ऑलवेज बी वाहिद मुजक्कर या मोनस गायब या जो भी है वाहिद में रहेगा। इट विल ऑलवेज बी सिंगुलर, वाहिद रहेगा। फेल क्या रहेगा? वाहिद रहेगा। इवन दो दे क्या बोलते हैं आप, सब्जेक्ट इज प्लूरल। इवन दो द सब्जेक्ट इज प्लूरल, प्लूरल अगर सब्जेक्ट रहा भी तो फेल क्या आएगा? वाहिद ही आएगा। अगर शुरू में लिखे तो, अगर बाद में लिखना तो फिर जमा का जमा। आप अब यही सेंटेंस को आप क्या लिखना चाह रहे हैं? अन्नासु यस्मऊना लिखना पड़ेगा। अगर पहले फाइल ला लिया आप तो जमा का सेगा लाना पड़ेगा। अगर फेल पहले लाए तो वाहिद का लाना। चलिए आगे, अब दूसरा नीचे एग्जांपल देखिए। अब इसमें क्या है, ये दो एग्जांपल क्या क्या है, ये लाजिम क्या है इसमें, है ना, इसमें मफूल नहीं है। अब यहाँ क्या है देखिए एग्जांपल्स में, वो खतला दाऊदू जालूता, और ख़त्ल किया दाऊद ने जालूत को। इसमें क्या फाइल भी है मफूल भी है। फाइल को रहेगा हमेशा पेश रहेगा और मफूल पे ज़बर रहेगा। नंबर दो एग्जांपल देखिए, ज़रबल उस्ताजुल वलदा, उस्ताद ने मारा किसको, लड़के को। तो उस्ताद पे देखिए क्या है, पेश है ना, हाँ, और वो नहीं नहीं क्या है, वो गलत आ गया, वो वालदुन होता वालिद, वालिदा आ गया है, अलीफ काट देना, वो वाह अलीफ आया ना, वहाँ अलीफ अलीफ नहीं रहना, वो हाँ वाला दा होना, अलीफ निकाल दो खाली बस। अगर खाली अगर वो मफू हालत में नहीं रहता तो वालदुन बोलते थे, पेश रहता था अलीफ राम तो अल वालदू बोलते थे। जबर किस वजह से आया, वो मार पड़ रही उस पर, उस्ताद ने मारा उसको, लड़के को मारा, तो उन्हें मफूली हालत में हो गया, इस बात से उसके ऊपर जबर आ गया आखिरी में। अब यहाँ नीचे और एक एग्जांपल है देखिए, समटाइम्स क्या है, बाज़ दफ़ा क्या होता, मफूल एक के बजाय दो तीन भी आते, मफूल एक के बजाय दो तीन भी होते। जैसा मिसाल, जाला लकुमुल अर्ज़ा फिराशा, जाला बनाया, कौन बनाया भाई, अल्लाह ने बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, अल अर्ज़ा क्या बनाया, ज़मीन बनाया, अल के ऊपर क्या जर ज़बर है ना, अल अर्ज़ क्या है, वो ज़बर आ गया, क्यों, अल्लाह बनाया, क्या बनाया, ज़मीन बनाया, मफूल है, ज़बर आ गया। उसके बाद में उसकी वजाहत क्या होते, फिराशा फैली हुई ज़मीन फैला बनाया, हाँ है ना, अलीफ है ना, नहीं है अलीफ रहना, कर लो आप फिराशा, दो ज़बर आ गए ना उसके साथ अलीफ आना ज़रूरी है। अब पलटाइए, ऐसा लिखो, ऐसा रहना भाई, ऐसा रहना, ऐसा हो रहा है ना, ठीक है। जनाब फैली भी वो भी क्या है, यहाँ मकसद समझना है, क्या जबर है, वहाँ दो जबर, दो पेज था, दो जबर हो जाते उसको,
पलटाइए, पेज पलटाइए, दूसरा आइटम है यहाँ हर्फ रद्दा, रद्दा यहाँ देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही लफ्ज है कल्ला, क्या है कुरान में इस्तेमाल हुआ कल्ला, कल्ला क्या माने क्या है, हरगिज नहीं, यानी किसी चीज़ को टोटली नेगेटिव कर देना है, नहीं हरगिज नहीं बोलते नहीं, कल्ला कल्ला के माने क्या, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं माने ये रहेंगे उसके, हाँ एक यानी यानी बिल्कुल या इनकार कर देना वैसा, और या बाज दफ़ा जो है कुछ किसी को जो है गुस्से में आके झिड़की दे रहे हैं, तन से जो है धुतकार रहे हैं, तो उस वक्त भी इस्तेमाल होता है कल्ला कल्ला। अब एग्जांपल देखिए आ अली जबर है आ आ ज़रबतु वलदी, आ क्या है यहाँ इस सूरे हर्फ इस्तेफाम है, आ के माने क्या, आ के माने क्या उसमें है पहले पूरे लेसन में पहले पूरे लिखा है उसका एक है हाँ हर्फ इस्तेफाम है वो क्या, ज़रबतु ज़रबतु क्या है भाई बोलो, कौन सा फेल है, हाँ फेल नहीं, ज़रबतु ज़रबा से ज़रबतु ज़रबतु वाहिद मुतकल्लिम मफूल उखरा क्या बोल रहे हैं भाई, फेल है ना, ज़रबा है ना भाई, ज़रबा है हाँ, ज़रबता बोल तो तूने मारा, ज़रबती बोल तो तू औरत ने मारा, ज़रबतु बोल तो मैंने मारा, मुतकल्लिम वो 14 शेखे भाई ऐसा पक्के कर लेना आपके लिए ज़रूरी है, उसके बगैर चारा नहीं, क्या आओ नहीं अगर वैसा यहाँ यहाँ तो अगर पेश है तो यही माने होंगे ना, क्या मैंने वलदी मेरे लड़कियों को मारा, क्या मैंने मेरे लड़कियों को मारा, वलदी क्या है भैया क्या है वो बोलो, ज़मीर है ना, ज़मीर है तो वलदी वलदुन था वलदुन था, दी लगाते हो जेर आ गया उसमें, या क्या चाहता जेर चाहता ना पहले, वलदुन था या लगा दिए मेरा लड़का, क्या मैंने मेरे लड़के को मारा, ये माने होंगे क्या, हाँ हाँ तरफ कहा गया तो क्या तूने मेरे लड़के को मारा, हाँ हाँ डिड यू, हाँ यू है ना, तो ज़रबता रहना फिर क्या कर दीजिए उसको, ज़रबता बोल तो हाजिर का सेगा ना भाई, मुजक्कर हाजिर का सेगा, हाँ ज़रबता वलदी क्या तुमने मेरे लड़के को मारा, क्या तुमने मेरे लड़के को मारा। अब देखिए कल्ला हरगिज नहीं, माँ ज़रबतु हूँ कल्ला हरगिज नहीं, माँ माँ क्या है नहीं के मानों में, ज़रबतु हूँ ज़रबतु क्या हुआ, मैंने मैंने मारा, हूँ बोल तो ज़मीर बच्चे की तरफ जा रही, मैंने उसको नहीं मारा, मैंने उसको हरगिज नहीं मारा, हरगिज नहीं मैंने उसको नहीं मारा, ऐसा जवाब आ जाएगा। नंबर दो एग्जांपल कल्ला इन्नल इंसाना लयत्खा, कल्ला बोल तो हरगिज नहीं, इन्ना बोल तो बेशक, इन्नल इंसाना इंसाना पे नून पे जबर क्यों आया भाई, इन्ना की वजह से है ना, इन्ना के बाद में जो भी इस्म आएगा उसके ऊपर क्या रहेगा, इन्नल इंसाना ला यत्खा, ला क्या है बोलो, ताकीद है, ला में ताकीद है, यत्खा क्या हुआ मान लो क्या, हरगिज नहीं बेशक इंसान क्या है सरकशी करता है, जरूर सरकशी करता है, तगा तगा क्या, तगा के माने सरकशी करना, जरूर या है देखिए यत्खा। अब यहाँ देखिए मुदार या जो है मुदारे का है,
मरियम नहीं पढ़े आप, आखिर में क्या या है, क्या है हुरूफ इल्लत का है, उसका दर्स ही अलग रहता पूरा, वो पढ़े तो सब समझ आता है, वो आगे आएंगे वो हुरूफ इल्लत का। अच्छा यहाँ और एक चीज़ क्या देखिए आखिरी में, ये जो कल्ला है, एट टाइम्स कल्ला विल आल्सो गिव द मीनिंग ऑफ सर्टनली आल्सो लाइक, एक ये भी एक आयत का टुकड़ा है, कल्ला सौफा तालमून, यहाँ हरगिज़ नहीं के मानों में नहीं लेना, कल्ला बोल तो यकीनन, हाँ सौफा तालू तालमून अन करीब तुम सब जान जाओगे, अन करीब तुम सब जान जाओगे, तालमून हाँ फिर सुम्मा फिर रिपीट करो, हाँ यकीनन सौफा तालमून तुम यकीनन जान जाओगे, ये होगा। इसमें कुछ भी नहीं है, खाली यानी फ़ेल लाजिम का मतलब क्या है, फ़ेल मुतादी का मतलब क्या है, फ़ेल लाजिम में जो है मफूल नहीं रहेगा, फ़ेल मुतादी के वास्ते हमेशा क्या रहेगा मफूल भी रहेगा, ये है कल्ला का एक मीनिंग आ गया इसमें।